कोविड के बढ़ते मामलों के चलते वैक्सीनेशन के कार्य में भी तेजी लाई जा रही है। 45 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू होने पर खासा उत्साह देखा गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सुबह से ही कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गई। कोविड वैक्सीनेशन लगवाने पहुंचे लोगों ने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लाभकारी बताया। बता दें कि 45 साल के उम्र से ऊपर से आयु के लोगों को 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें हमीरपुर जिला के बाशिंदों के द्वारा काफी दिलचस्पी दिखाते हुए वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। इससे पूर्व सीनियर सिटीजन को भी 2 टीके लगाए जा चुके हैं। 45 से 59 आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों को वैक्सीनेशन लगवाई जा चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे संजय शर्मा ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों में जागरूकता है, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए वैक्सीनेशन समय पर लगवाएं ताकि कोविड महामारी से बचा जा सके। वैक्सीन लगवाने पहुंची महिला शशि बाला ने बताया कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में आकर टीका लगवाना चाहिए। दूसरी डोज लगवाने पहुंचे पूर्णचंद जुल्फीराम ने बताया कि वैक्सीनेशन बढ़िया है, इसमें बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए समय पर टीकाकरण करवाएं। यार लोगों में बड़ा जुनून है, उत्सुकता है, लोगों में जागरूकता आ गई है और आज मैं देख रहा हूँ कि रश बहुत है और इसलिए अब जो 45 का जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है बहुत अच्छा स्टेप लिया है और लोगों में जागरूकता है इस बात के लिए कि हम जो है वैक्सीनेशन लगवाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, अगर नहीं कहीं हो रहा तो करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा है। हाँ लोगों को संदेश यही है कि सभी जो हैं इसमें डिस्टेंस रखें थोड़ा और टाइम पर जो 2.5 दिन के बाद दूसरा डोज अवश्य लें। लग रहा है और सभी को लगवाना चाहिए। लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लगवाएं, आगे बढ़कर सभी आए और सभी वैक्सीन लगवाएं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेकेंड डोज है मेरा। लोगों को मैं बोलता हूँ ना कि सबको टीका लगवाना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो फर्स्ट डोज भी लगवाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डरते हैं लोग, डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, 45 से ऊपर जो लग रहे हैं ना, पहला ही दिन है आज, अच्छा लग रहा है, सभी लगवा लें, अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें सभी लोग और सभी लोग जो है वो इंजेक्शन लगवा लेंगे, अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरके अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य मेडिकल कॉलेज में सुचारू ढंग से चला हुआ है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कॉलेज में कोरोना योद्धाओं के अलावा वरिष्ठ नागरिकों ने भी टीकाकरण अभियान में उत्साह दिखाया है। वहीं उन्होंने बताया कि कॉलेज में 45 से 59 आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने भी टीकाकरण करवाया है। जो हमारे हेल्थ के लोग थे उनमें लगभग 1157 लोगों को जो है वो यहाँ कवर किया गया मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, और उसमें से जो सेकेंड डोज है वो भी लगभग 533 लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन आधे लोगों ने अभी तक उनकी सेकेंड डोज भी पूरी हो गई है। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन का जो शुरू हुआ है कार्यक्रम, उसमें भी जो है मेडिकल कॉलेज जो है हमीरपुर वो काफ़ी अग्रणी रहा है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो आगे आ रहे हैं 45 से 59 तक, 45 to 59 ईयर ऑफ एज, जिनको कोई और बीमारी है जिसमें एक लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर वो आते हैं 21 बीमारियों में तो वो बीमारियों में अगर किसी को हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, कोई लंबी बीमारी चली है ना, जिसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, इस तरह की अगर जिन लोगों को बीमारियाँ हैं तो उसकी उम्र अगर कम भी है यानी कि 45 से 59 ईयर्स तक है तो उनको भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। उस